हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब इसराइल में कंटिन्यूअस वॉर चालू है, सॉरी पैलेस्टीन में कंटिन्यूअस वॉर चालू है, इसराइल में भी चालू है। बहुत सारे लोग मर गए हैं अभी तक, बहुत सारे लोग घायल भी हैं, बहुत सारे लोग मिसिंग भी है। मैंने तो न्यूज़ देखा, लोग माइग्रेट भी हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें अभी हमारे दुनिया में चल रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इसी पे होने वाला है कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच का क्या एक्चुअल क्या कॉन्फ्लिक्ट है, और ये कितने सालों से चला आ रहा है, और इसके पीछे का रीजन क्या है। ये सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए और वॉच कीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और सटीक इन्फॉर्मेशन मिले। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पूरे टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। पहला इसराइल के बारे में न्यूज़, फिर ज्योग्राफी दोनों का, और फिर हिस्ट्री और हमास ने क्यों अटैक किया इसराइल पे। ठीक है, तो अगर हम आज के टाइम का ये देखते हैं पूरा ज्योग्राफी, तो हम देखते हैं कि ये पूरा जो ये इसराइल है, यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, ये गाजा पट्टी है, ये जेरूसलम है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वेस्ट बैंक है, ये लेबनान से, यहाँ पे सीरिया है, यहाँ पे जॉर्डन है, और यहाँ पे सऊदी अरबी, और ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये क्या है, इजिप्ट है। ठीक है, तो ये इसका जो स्टार्टिंग का जो स्टार्ट हुआ वो 1917 से वार हुआ, जब बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ बाय ब्रिटेन। तो 1917 में इन्होंने एक डिक्लेरेशन किया कि हम जो जेविस पीपल हैं उनके लिए अलग से स्टेट बनाएंगे, उनके लिए रहने के लिए घर बनाएंगे, ताकि वो पीसफुली वहां पर रह सके, है ना। ये अनाउंसमेंट कब किया ब्रिटेन ने, ब्रिटेन वालों ने 2 नवंबर 1917। तो और जब 1918 को जो पहला वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हुआ, तो पैलेस्टीन जो थे वो एक ब्रिटेन का ही एक पार्ट हो गए थे। तो ब्रिटेन वालों ने क्या सोचा कि हम इनके लिए एक घर बनाते हैं, ताकि ये जो है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से खुशहाल जिंदगी जो है वो रह सके, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक ऑटमैन का जो वॉर था, वो ऑटमैन एम्पायर जो था वो ब्रिटेन से काफी टाइम से उसकी लड़ाइयाँ चल रही थी, और जब ब्रिटेन जो है वो ऑटमैन एम्पायर से जीत गया, तो उसने क्या किया, पैलेस्टीन को रूल करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो अभी तक का जो पूरा कब्जा था वो किसके पास था, वो था पैलेस्टीन के पास में। ठीक है, तो अगर मैं कंपोजिशन की अगर मैं बात करती हूँ अभी के टाइम में, तो उस टाइम में बहुत सारा जो पार्ट था, बहुत पूरा एरिया जो था वो ऑटमैन एम्पायर के पास था। और अगर मैं डेमोग्राफी की बात करती हूँ, तो जो लार्ज पार्ट था वो क्या था, अरेबियन पीपल के था पास था, और जो फ्यू लोग थे वो जेविश पीपल के पास था। यानी कि पैलेस्टीन का जो पूरा ज्यादा से ज्यादा पार्ट अरेबियन लोगों के पास था, और थोड़ा सा पार्ट क्या था वो जेविश पीपल के पास था, जिसको आज के टाइम में हम जेरूसलम या कह सकते हैं जेविश पीपल के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद काफी टाइम, काफी डिकेड्स तक चेंज होने के बाद, फिर 1992 में 1992 से 1933 में यहाँ पे क्या हुआ, जेविश लोगों का बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ जो है माइग्रेशन हुआ यहाँ पे। अराउंड 1,35,000 लोग जो है माइग्रेट होके कहाँ पर आए, पैलेस्टीन में आए। इस सिचुएशन को हम माइग्रेशन कहेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ पे माइग्रेट हुए। एंड आफ्टर दिस कंपोजिशन अरेबियन जो लोग थे वो इनसिक्योर होने लगे रिगार्डिंग देयर प्रॉपर्टीज, देयर राइट्स। अभी सिंपल सी बात है, अगर किसी के स्टेट में ज्यादा लोग माइग्रेट होते हैं तो उनकी जॉब, उनका लैंड अक्वायर हो जाता है, वो मतलब क्योंकि वो भी अपना एस्टैब्लिशमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही जब जेविश लोग ज्यादा अमाउंट में वहां माइग्रेट होने लगे, तो जो वहां पे अरेबियन लोग थे वो काफी इनसिक्योर होने लगे रिगार्डिंग देयर प्रॉपर्टी या इनके राइट्स। तो सिंस दैट डे, जब से माइग्रेशन हुआ है, तब से ये जो है इन दोनों कम्युनिटी के बीच में जो है स्ट्रगल चालू है, और अभी तक। और वो क्या है, वो सिंपल से उनके बेसिक राइट्स के लिए, उनके टेरिटरी के लिए, और उनके टेरिटरी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए या बेसिक राइट्स को ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये वॉर तब से ही चालू है, कंटिन्यू चालू है उन दोनों के बीच में स्ट्रगल्स। और वॉर हुआ भी, लेकिन उसके बाद जो है काफी लोग ने अपनी जान भी गंवा दी कि मतलब इनको वो करना। लेकिन जब 1948 आया, 1948 से ब्रिटेन जो था वो वहाँ पे अपना कब्जा बना के रखा हुआ था। उसकी जो आर्मी की सेना थी वो पैलेस्टीन के बॉर्डर पे हमेशा रहती थी फॉर देयर सेफ्टी। लेकिन काफी टाइम के बाद जब दोनों का वॉर खत्म ही नहीं हो रहा था,
मतलब उन दोनों के वॉर, उन दोनों के बीच में झगड़ा ही, लड़ाई ये चालू ही थी। तो एट द लास्ट ऑफ टाइम जो ब्रिटेन ब्रिटेन था उसने डिसाइड किया कि भाई अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो आर्मी की सेना है उसको यहाँ से हटा दूंगा और ये जो पूरा मामला है वो मैं किसको दे दूंगा। उस टाइम पे एक थी, चलो डिस्कस करते हैं। तो जब ब्रिटेन ने पूरा ही बैकफायर किया, यानी कि वहां की जो बॉर्डर था वहां से अपने सेना को हटा लिया, उस टाइम पे जो इसका ये जो पूरा मैटर था, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, वो यूएन यूएन यूनाइटेड नेशन को जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। तो यूएन ने क्या डिसाइड किया, यूएन ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, दोनों को पार्टिशिएट कर देंगे, यानी कि दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, जिससे क्या होगा, दोनों शांति बनी रहेगी। उन्होंने सोचा कि दोनों कम्युनिटी को क्या किया जाए, पार्टीशन कर दिया जाए, एक फर्स्ट हाफ में पैलेस्टीन रहेगा और सेकेंड हाफ में क्या रहेगा, सॉरी फर्स्ट हाफ में जेविश रहेगा और सेकेंड हाफ में क्या रहेगा, अरेबियन पीपल रहेगा, जिससे क्या होगा, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में पीस भी बना रहेगा और लोग शांति से जी भी पाएंगे। लेकिन जेविश जो लोग थे, जो जेविश पीपल थे, वो बिल्कुल ही प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और जो अरेबियन लोग थे वो भी डिनाइड कर रहे थे पार्टीशन के, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ये हमारा, हमारे पुरखों की जमीन है, ये हम बहुत टाइम से यहाँ पे रह आ रहे हैं, तो हम अपने जगह को बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। और ये वॉर जो है बहुत सालों से चला शुरू है, बहुत साल तक चलता ही गया चलते। और वो दो वो ये बिलीव कर रहे थे कि अगर जेविश ने हमारे मतलब कह सकते हैं, जेविश ने अगर ये पार्ट को कम्प्लीटली जीत लिया, या मतलब कह सकते हैं कि इनका अक्वायर यहाँ पे हो गया, तो लोग क्या करें, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग हमको रूल करेंगे, मतलब हमको इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो वॉर था ये काफी सालों से और चलता ही गया, और मुझे लग रहा है अभी भी चल ही रहा है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये जो आपको एक दिख रहा है, ये एक होली प्लेस है, जो जैसे कि दो मेन होली प्लेस मुस्लिम का जो है सऊदी अरेबिया में है। तो ये जो होली प्लेस है यहाँ का, जिसको जेरूसलम कहा जाता है, जेरूसलम में है, तो इस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव अरेबियंस का भी है, पैलेस्टीन का भी है, दोनों यही मानते हैं कि इनकी एंसेस्टर्स की प्लेस है, और दोनों के लिए ही ये जो प्लेस है बहुत ही खास है, और जिसके लिए ये लड़ाई जो है ऑन एंड ऑन चले ही जा रही है। सो दिस वॉर इज फॉर टेरिटरी एंड देयर कम्युनिटी प्लेस जेरूसलम, दे बिलीव दैट द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ देयर एंसेस्टर। अगर अब कि हम मतलब 1947 से प्रेजेंट तक का डेटा हम देखें, तो ये पूरा पैलेस्टीन का पार्ट था। फिर आप देख रहे हो धीरे धीरे 1947 के बाद, 1947 जब पार्टीशन प्लान किया गया, फिर ये इसराइल का पार्ट था, ये पैलेस्टीन का पार्ट था, फिर धीरे धीरे 1949-67, और प्रेजेंट में आप देख रहे हो छोटे छोटे जो पैचेस दिख रहे हैं आपको, ये पैलेस्टीन के बाकी सब इसराइल ने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। सो ये जो है ये 6 दिन तक बहुत कंटिन्यू वॉर चला, बहुत ही कंटिन्यू वॉर चला रिगार्डिंग द टेरिटोरियल मतलब को हथियाने के लिए। और लास्ट में जो है इसराइल क्या हुआ, विनर हुआ, और इसराइल ने क्या किया है, बहुत ही मोस्ट ऑफ पोर्शन को क्या किया है, कब्जा कर रखा है। अब हम बात करते हैं कि पहली बात तो हमास क्या है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बाद में इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जब कम्युनिटीज के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुआ, तो इसका फायदा किसने उठाया, हमास ने उठाया। एक वेस्ट बैंक है जो पैलेस्टीन का एक पार्ट है, और इसराइल ने क्या किया था, वहाँ पे एक रेड कंडक्ट करवाई थी, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ऐसा उनका मानना था, ऐसा डेटा वहाँ पे बताया गया कि 300 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे मर गए थे, जिसकी वजह से भी एक उनके अंदर गुस्सा था पैलेस्टीन के बीच में कि इसराइल ने यहाँ पे रेड क्यों करवाई। फिर दूसरा रीज़न ये भी था कि उनकी जो मस्जिद है, जिसको जेरूसलम अल अक्सा मस्जिद कहते हैं, तो ये थर्ड होली प्लेस जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताई, इन दोनों इस्लामिक और जेविश के दोनों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, और उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया था, मतलब यहाँ पे भी रेड डलवाई थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक दूसरे पे अटैक ऑन चालू ही है, और जिसकी वजह से काफ़ी लोग मर भी जा रहे हैं, बट दोनों का ही एक दूसरे पे अटैक इसकी वजह से चालू है। पहला तो रीज़न ये था कि उनके जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे रेड हुई, दूसरा जो इस्लामिक एक थर्ड होली प्लेस है वहाँ पे रेड हुई, और ये छोटे छोटे रीजन जिसकी वजह से ये जो लड़ाइयाँ हैं वो कंटिन्यू चली ही जा रही है, और बहुत सारे लोग जहाँ भी मैं न्यूज़ देखती हूँ ना तो मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन है वहाँ पे, बट ये सारे रीज़न हैं। तो जो पैलेस्टीन का एंगर है इसराइल के लिए, उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है, हमास उठा रहा है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, वो
पैलेस्टीन की अपना एक खुद का एंटिटी क्या है दोनों के बीच में स्ट्रांगली रख सके। अब एक और रीजन है कि जो डिवीजन हो रहा है इसराइल की सोसाइटी में, अब इसराइल ने क्या किया है, राइट विंग गवर्नमेंट स्टैब्लिश की है और बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स आए हैं जिसकी वजह से जो उनकी खुद की उनकी ज्यूडिशरी में चेंजेस लाया है, रिफॉर्म्स लाया है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाया है, मतलब बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स जो है लाए हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि वो राइट विंग गवर्नमेंट जो है स्टैब्लिश करना चाहते हैं इसराइल में, तो जिसको लेके उनकी जो खुद की गवर्नमेंट मतलब जो उनके खुद के लोग हैं या उनके जो खुद के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वही उसको विरोध कर रहे हैं, बट स्टिल वो क्या करता है, वो बिलीव करता है कि राइट विंग गवर्नमेंट जो है यहाँ पे स्टैब्लिश होना चाहिए। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या है ग्रुपिंग की, जनरली अभी हम जानते हैं कि लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है। अब आप समझ अब आपको कंफ्यूजन लगा होगा कि राइट विंग गवर्नमेंट क्या होती है, लेफ्ट दोनों को समझते हैं। तो जनरली लेफ्ट विंग गवर्नमेंट क्या होती है, इस आइडिया सच एज ये किसमें बिलीव करते हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रटर्निटी, राइट्स, प्रोग्रेस, रिफॉर्म्स एंड इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करते हैं। लेकिन वही जो राइट विंग गवर्नमेंट है वो किस पर बिलीव करती है, नोशन सच एज अथॉरिटी, हायरार्की, ऑर्डर, ड्यूटी, ट्रेडिशन, रिएक्शन एंड नेशनलिज्म में बिलीव करती है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी उनके लिए मतलब अनडाइजेस्टेड थी जिसकी वजह से झगड़ा जो है ऑन एंड ऑन चालू। तो जो लोग थे वहां के इसराइल के लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द राइट विंग गवर्नमेंट, और उनके खुद के सिटीजन जो थे उसके चीज चीज के या गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज थे वो इस चीज के एकदम ही अगेंस्ट थे, जिसकी वजह से यहाँ पे इसराइल में जो सोसाइटी वो काफी डिवाइडेड दिख रही है, और जिसकी वजह से हमस ने यहाँ पे इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अटैक किया। तो अगर जियोपॉलिटिकल एंगल से देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो काफी सुधरता जा रहा है बिटवीन सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में। कुछ टाइम पहले जो वहाँ के प्रिंस थे उन्होंने भी ये इंटरव्यू के दौरान बताया था कि दोनों देश के जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो काफी सुधरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि अगर दोनों कंट्री एक साथ मिल जाती है तो मुस्लिमों की तो मेन जो दो होली प्लेस है वो तो सऊदी अरेबिया में है और एक यहाँ पर है, तो ये एक चीज हो जाएगा कि जो हमस की फंडिंग है पैलेस्टीन में मतलब जो पार्ट में बसे हुए हैं उनकी रुक जाएगी। और दूसरी क्या है कि जो हमस को जो फंडिंग आती है हर साल वो रुक जाएगी। पता है आपको, मैंने अभी न्यूज देखी कुछ टाइम पहले कि जो वहां पे पाइपें डाली हुई थी ना वो पाइपों का यूज करके उन लोगों ने उसको रॉकेट रॉकेट बना था। जस्ट अज्यूम दैट कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना लेवल का होगा। तो अभी बहुत सारी इन चीजों को रोकने के लिए और कुछ टाइम पहले ही इसराइल के जो पीएम है उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया कि अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं, है ना, और इसकी वजह से उन्होंने वहां का इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया है, वाटर सप्लाई बंद कर दिया है, मतलब तरह तरह की चीजों से उनको क्या कर रहे हैं, हैरास कर रहे हैं, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इनको सपोर्ट करती है पैलेस्टीन को, सॉरी हमास को सपोर्ट करती है, कुछ कंट्री ऐसी है जो इसके अगेंस्ट इसको टेररिस्ट भी मानती है, कुछ कंट्री ऐसी भी है जो इसको सिर्फ एक मिलिट्री यूनियन मानती है और उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो चलो एक हम जानते हैं, एक डेटा देखते हैं। तो अगर हमस को जो कंट्रीज टेरिटरी के सॉरी टेररिस्ट के रूप में कंसिडर करती है वो कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, यूके है, इसराइल है, जापान है, यूएस है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया, सारी कंट्रीज जो है इसको ये क्या करती है, एक्सट्रीम पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट के रूप में क्या करती है, कंसिडर करती है। दूसरे की अगर हम बात करें जो कंट्री उनको सपोर्ट करती है जो वो है ब्राजील, चाइना, ईरान, कतार, नॉर्वे, रशिया, इजिप्ट, टर्किश और सीरिया। और कुछ कंट्रीज ऐसी भी जो इनको खाली एक मिलिट्री मानती है, मिलिट्री टेररिस्ट मानती है, जैसे कि न्यूजीलैंड है, पैरग्यू है। अब हम बात करते हैं हमारे देश की इंडिया की, तो क्या इंडिया सपोर्ट कर रहा है इनको, तो आंसर इज यस। इसके भी रीजंस है, सबसे पहला रीजन ये है कि इंडिया जो है वो ज्यादा सेकेंड लार्जेस्ट जो बायर है वो इसराइल से है, क्योंकि वहां से वो आर्म्स एंड एमिनिटीज के मिलिट्री आइटम्स को परचेस करती है, इंपोर्ट करती है। और दूसरा जो है वो जो इसराइल है वो सेकेंड लार्ज
एक्सपोर्टर भी है इंडिया के लिए, जहाँ इंडिया को वो काफी अमाउंट में मिलिट्री आइटम्स बेचता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि 1971 के वॉर के टाइम पे जब कारगिल का वॉर हुआ था, तो इसराइल ने बिना कुछ जाने समझे इंडिया को सपोर्ट किया था, विद आर्म्स को भेज के, एमिनिटीज को भेज के काफी सपोर्ट किया था इंडिया का। तो दूसरा रीजन ये, थर्ड रीजन ये है कि 1990 में जब अब एक टाइम ये भी था कि इंडिया जो वो ब्लाइंडली पैलेस्टीन को सपोर्ट करता था, तो ऐसा नहीं है कि 1990 से इंडिया जो है पैलेस्टीन को ही सपोर्ट करता, लेकिन जब से उसे पता चला कि ये जब से वो इंडिया टेररिज्म के खिलाफ लड़ने लगा या पॉलिटिकल रिलेशन स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया इसराइल के साथ, या डिफेंस है एग्रीकल्चर एंगेजमेंट को लेकर, तो तब से इंडिया ने क्या किया, तब से इंडिया क्या है, इसराइल को सपोर्ट करता है। एंड टिल नाउ इंडिया क्या है, अभी के टाइम में भी इंडिया क्या कर रहा है, इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो एज एन इंडियन आप किसको विक्टिम मानते हो, किसको कल्प्रिट मानते हो, मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। और ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे आपको कैसे लगे, ये मुझे इसका रिप्लाई देना ना भूलें। तो चलते हो, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में रिसर्च की है, ज़्यादा बहुत सारा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एकदम शॉर्ट रिसर्च किया, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट समझ में आए। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर लॉट्स ऑफ। थैंक यू।